आधार कार्ड हर भारतीय के जीवन का हिस्सा हो गया है। अब व्यापार, शिक्षा से लेकर आधिकारिक लेन देन तक के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। सरकार ने अपनी कई कल्याणकारी योजना पर आधार का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस काम को बंद कर दिया गया था। अनलॉक के दौरान इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, जो अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। लोग आधार कार्ड के लिए प्रज्ञा केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं। इसका उदाहरण जमशेदपुर के साक्ची स्थित रविंद्र भवन के परिसर में देखा जा सकता है। आधार कार्ड की वजह से कई बच्चों का स्कूल में नामांकन तक नहीं हो पा रहा। जरूरी, जब सरकार मान्यता रखी है तो हम लोग के लिए भी जरूरी है और मान्यता है, इसलिए इसे जरूरी समझ के हम लोग भी कर रहे हैं। जरूरी होता है बच्चा लोगों का, जैसे स्कूल हुआ और कोई चीज में भी हम लोग को आधार कार्ड मांगता है। तभी देखिए जब बन रहा है एक दिन का हो या जो भी है, लेकिन अपना काम का चाहते हैं थोड़ा और सुधार होना चाहिए इसमें, और केंद्र होने चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। बच्चों के आधार कार्ड के लिए खासकर बहुत परेशानी है, जल्द सब जगह नहीं बन पा रहा है। इसका रेगुलर कैंप लगते रहना चाहिए। मैं तो 6 महीने से अपनी बेटी का परेशान बनाने के लिए, कोविड के कारण अभी सारे सेंटर्स बंद किए हुए, बोले बच्चे का अभी अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत। पूर्वी सिंहभूम जिले की जनसंख्या करीब 25 लाख है, जिसमें 90% लोगों का डाटा बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बने, इसके लिए समय समय पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस और प्रखंड मुख्यालयों में भी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला उपायुक्त सूरज कुमार का कहना है कि जिले में आधार केंद्र की कमी को देखते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालकों को फिर से आधार बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देश पर आधार बनाने के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उनके लिए देखिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ब्लॉक में सेंटर परमानेंट एवरीडे चलता है, तो लोग वहां पे बनवा भी सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं। आधार केंद्र की कमी को देखते हुए ये लगातार आईटी विभाग से बात भी हुई है, और अब प्रज्ञा केंद्र के कुछ संचालकों को जो कि अच्छा संचालन करते हैं उन लोगों को आधार केंद्र का लाइसेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा जेल चौक पर हम लोग एक मेजर आधार सेंटर हम लोग को मिल रहा है, जिसमें कि 8 कंप्यूटर जो है जो आधार एनरोलमेंट के लिए हैं वो हम लोग को सैंक्शन हो गया है, जिसकी स्थापना भी जो है 1-2 महीने के अंदर में हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी वैकल्पिक व्यवस्था में कहीं पे भी अगर हम लोगों को आधार शिविर लगाने की आवश्यकता है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए विशेष दल भेज देती है और फिर हम लोग उसके हिसाब से कैंप मोड पे आधार शिविर। प्रशासन का दावा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में आधार कार्ड बनाने की सुविधा है, फिर भी कई लोगों को बनवाने में परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन को भी लोगों की परेशानी की जानकारी है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए और आधार केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। रवि झा, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।